नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जो जो भी आपको पसंद हो। मैं एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव आपका इस प्लेटफॉर्म गो वाइल्ड इंडिया में फिर से स्वागत करता हूँ। देख रहे हैं हाथ में दो सांप हैं, दोनों ही कोबरा हैं। आप जानते हैं मुझे कोबरा पसंद है, शायद आपको भी पसंद हो, क्योंकि इनकी हिस्ट्री हमारे पास बहुत है। जरा देखिए इसको कितना गुस्से में है, थोड़ी देर पहले ही पकड़ा गया है, जबरदस्त गुस्से में। इन दोनों ही सांपों में एक भौतिक अंतर है। वीडियो पूरे बने रही है, आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि अंतर क्या है। दोनों ही थोड़ी देर पकड़े गए, इसको मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है, बस तुरंत किस कर लेना चाहता है, है ना दोस्त। तो आइए आपको दिखाते हैं ये कोबरास कैसे हैं, क्या है इनका अंतर और किस कोबरा ने यहाँ कुछ खास किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये कोबरास और क्या नया करते हैं, या आपको अभी तक अनछुई चीजें क्या थी आपके लिए। तो हमें तो यहाँ से दिख रहा है, बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाते हैं आपको। तो क्या खास है इस कोबरा के बारे में जो मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है इस वक्त। खास ये है, इन सांपों के बारे में एक अच्छी सी चीज आपको बताते हैं। अच्छी चीज क्या है, मैं आपको पास से दिखाऊंगा जरा देर में कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मगर उसके पहले ये कि इस सांप को हम जिस जगह से पकड़ा वहाँ पे बहुत सारा कचरा मौजूद था, और ऐसे कचरे हमको जनरली यहाँ पे अपने घरों के आसपास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये सांपों के लिए जन्नत होते हैं। यहाँ पे सांप महीनों महीनों रह सकते हैं और आपको कभी पता नहीं चलेगा, ये इतने माहिर होते हैं आपके आसपास रहने के लिए। खैर, इस पर्टिकुलर सांप के बारे में आपको बताऊँ, ये एक ब्लैक कोबरा है। इस पर हमें स्पेक्टिकल नजर नहीं आ रहे, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, कैद होना इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसमें स्पेक्टिकल नहीं बना हुआ है, इसके फन के पीछे ही सिंपल एक ब्लैक कोबरा है। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा दोस्त है, ये भी एक कोबरा है और ये स्पेक्टिकल कोबरा है। ये थोड़ा शांत है, ये पूरी तरह से केंद्रित गुस्सा है दोस्त। क्या नाम रखें तुम्हारा, सोनू? तो एक खास बात आपको अभी निकाल के दिखाते हैं, जरा देखिए आप, हो सके तो आसपास से देख। ये आपको एक अवशेष दिख रहा होगा, ये जरा देखिए इसे, ये एक मेंढक है दोस्तों। आपको टांगे दिख रही होंगी यहाँ पे, ये देखिए जरा, ये टांगे हैं मेंढक की। तो ये एक मेंढक है जिसको इस हमारे सोनू ने थोड़ी देर पहले खाया होगा, और थोड़ी देर पहले ही अभी जब हम इसको ला रहे थे तो इसने इसको वापस से बाहर निकाल दिया। ये सांप ऐसा ही करते हैं, जब ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब ये परेशान हो जाते हैं, तो ये अपना खाना जो भी इन्होंने खाया होता है अधपचा, वो वापस बाहर निकाल देते हैं। तो जो हमारे सामने मेंढक का स्पेसिमन है, ये काफ़ी गल चुका है, मतलब इसने हो सकता है इसको कि कल ही खाया होगा या सुबह ही खाया होगा। टांगे अभी भी एकदम साबुत हैं, मगर इसका मुंह और पूरी चीज़ें ये गल चुकी हैं। तो हमारा ब्लैक कोबरा उर्फ नाजा नाजा, उर्फ काला नाग, उर्फ सोनू, हाँ सोनू, तो हमारा सोनू खुलने को तैयार है, बहुत आतुर है। सूखा जंगल है, पास में चंबल बह रही है। ये जंगल इन जीवों के लिए एकदम खास है, ये जंगल, यही जंगलों में ये पले हैं, इन्हीं जंगलों में ये बड़े हैं, पर इंसानों के पास आके रहना सीख गए, क्योंकि हम इंसान गंदे रहते हैं। याद रखिए, हम गंदे रहते हैं, हमारे आसपास चूहे होते हैं और चूहे ही इन्हें खींच लाते हैं। तो अपने आसपास गंदगी मत रखिए, अगर हो तो उसे हटा दीजिए। आइए आपको मिलवाते हैं इस काले नाक से, सांप से, इस नाजा नाजा से। जरा देखिए कितना गुस्से में, जब मैंने इसको पकड़ना चाहा, वहाँ पे पकड़ना इस सांप को खासा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे कई ईंटें थी, और ऐसे में हम लोगों को हमेशा इस बात का डर होता है कि कहीं इधर उधर पाँव ना फंस जाए, क्योंकि हम पूरी तरह से सांप पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और अगर आप ऐसे में सांप के ऊपर गिर गए या सांप आपके बहुत करीब आ गया तो फिर भगवान से मिलना पक्का है। तो हम ध्यान रखेंगे इसका, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। और आपने एक बात नोट की होगी कि हम लोग कभी भी स्टंट नहीं करते, हमें स्टंट करना बिल्कुल पसंद नहीं, सांपों के साथ किसी को स्टंट नहीं करना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, मैं गलत था यहाँ पे, ये पीछे से हमको इसमें भले ही स्पेक्टिकल देखने को ना मिले, मगर इसमें फ्रंट पे ही स्पेक्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। ये सांप इसलिए भी खास है क्योंकि जरा देखिए कितना ज्यादा फोकस्ड है,
आप इन सांपों के साथ मजाक नहीं कर सकते, आप इन सांपों को लाइटली नहीं ले सकते। जरा देखिए कितना फोकस है। ओहो मेरे दोस्त, तो हमें इन सांपों के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए, मस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं आम लोगों को YouTube पे जब देखता हूँ तो देखता हूँ कि वो काफी ज्यादा सांपों के साथ खेलते हैं, उन्हें छूने का प्रयत्न करते हैं, मगर सांपों को कभी छूए मत, खास करके जब तक आपको पता ना हो कि ये सांप कौन सा है। और सांपों के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है, वरना आप भी किसी ना किसी के शिकार जरूर हो सकते हैं। तो सांपों से दूर रहिए, इन्हें छूने का प्रयत्न मत कीजिए। ये देखिए जरा कितना फोकस है, ये कोबरा मुझे इसलिए पसंद है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हमें इसके पेट में जहां से इसका नेक खत्म हो रहा है वहां पे चोट देखने को मिल रही है। ओ जरा देखिए, एक कट है, डीप वाउंड है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये सांप अभी भी एक सब एडल्ट है, काफी गुस्से में है, सब एडल्ट सांप है। और आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि ये एक, ओहो ये गुस्से में कांपते हैं, मुझे इनका इतना गुस्सा करना बहुत ही पसंद है। जरा देखिए इसे, तो ये एक अडल्ट नहीं है, यकीन मानिए ये अडल्ट थोड़े और बड़े होते हैं, काफी मोटे तक हो जाते हैं, ये अभी भी एक बच्चा है, सब अडल्ट है। तो हमारे इस सांप के भी खास फोटोज, बहुत ही क्लोज शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे गो वाइल्ड इन इंडिया के फेसबुक और इंस्टा के पेजेस पे। और साथ ही में इस सांप के साथ हम दूसरा भी सांप आपको दिखाएंगे, कोशिश करते हैं कि साथ ही दिखा पाए, पर उसके बाद ही गायब हो जाएगा मुझे यकीन है। जरा देखिए कितना गुस्से में है ये। ओ मेरे दोस्त, बस तुम जंगल में जाने को आतुर हो, हाँ तुम बस जाने ही वाले हो मेरे दोस्त। हाँ जरा देखिए इसको, और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ वक्त पहले अपनी स्किन उतारी थी, क्योंकि ये काफी चमकदार स्केल से लेस है। हमें जो अंदर के स्केल्स देखने को मिल रहे हैं वो एकदम एकदम चमकदार है, बहुत ही शाइनिंग है। जरा देखिए इसको, कमाल का सांप है, मैं इन सांपों का दीवाना हूँ। ओहो न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस ये सांप, आपकी जान लेने के लिए काफी है। इनफैक्ट छोटे से अंडे से निकले हुए बच्चे भी आपकी जान ले सकते हैं दोस्तों। तो कभी भी कोबरा के बच्चे भी कभी दिखे तो खेलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दोस्त सही कह रहा हूँ ना मैं, हाँ सही कह रहा हूँ सोनू। तो इसी के साथ आइए इसको रिलीज करते हैं अपने दूसरे सांप के साथ, और दूसरे से भी आपको मिलवाते हैं कि वो कैसा दिखता है। वो थोड़ा शांत बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ रहा है, मुझे काटने के लिए आ रहा है। जरा देखिए इसको, ओहो कितना गुस्से में है, ये मुझे ही काटने के लिए आ रहा था, जैसे कि मैंने इसको पकड़ के गलती कर दी। जरा देखिए इसको, हम इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ओहो जरा देखिए इसकी स्पीड देखिए आप, मैं बड़ा ही दीवाना हूँ इनका, बड़ा ही दीवाना हूँ इनका। सारा इसकी स्पीड देखिए, जरा देखिए इसे पास से, कितना चमकदार है ये सांप। जरा देखिए इसे, ये किसी भी चीज पर, कोई भी बड़ी चीज पर फोकस होने के लिए काफी आतुर रहते हैं, एक ही चीज पर फोकस हो जाते हैं, और इसी वजह से स्नेक चार्मर्स जो हमारे इंडिया में हमें बेवकूफ बनाते आए। हम बच्चों को, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि सांप नाचता है, मगर यकीन मानिए ये सांप नाचता नहीं है, ये सांप बस केंद्रित हो जाते हैं किसी एक चीज पे। तो गो वाइल्ड इन इंडिया में अब हमारे इस प्यारे मोनू का जाने का समय है। हमने इसको पहले भी छोड़ा था, पर फिर हमें याद आया कि हमने इसकी फोटोग्राफी नहीं की, वापस इसको पकड़ा, फिर से फोटोग्राफी की। अब वापस से समय है इसको वापस अपने ही रंगों में रंग देने के लिए। तो जाओ मेरे दोस्त और खूब चूहे खाओ और खूब मस्ती करो। आओ, ये मुझे भाई बोल रहा है, ये मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता है यहाँ पे, जरा देख रहे हैं आप, भाई बोल रहा है। ये बस मुझे मिलकर ही जाएगा। चलो चलो चलो, पहुंचो पहुंचो पहुंचो, चलो चलो दोस्त।